नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है, बता दें, जहां बंगाल में हिंसा को लेकर बीजेपी ने धरना दिया है। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में प्रदर्शन किया गया। बता दें, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा इस दौरान मौजूद रहे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा समेत कई नेता और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भोपाल से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बता दें, जहां पश्चिम बंगाल में बीजेपी पर हमला हुआ, लगातार हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है। चुनाव के पहले भी हमने देखा और बीते कई दिनों से देख रहे हैं, दो दिन पहले भी, इवन कल की भी अगर हम बात करें तो कल भी यहां पर हमने देखा कि हिंसा हुई है और इसी के चलते जिला मुख्यालयों पर बीजेपी ये प्रदर्शन कर रही है। भोपाल की अगर बात करें तो प्रदेश बीजेपी कार्यालय में प्रदर्शन किया गया, धरना प्रदर्शन किया। मुझे लगता है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज कलकत्ता में है, उनका जब भी निर्णय होगा हर कार्यकर्ता मध्य प्रदेश का और पहुंचेगा। ये माननीय अध्यक्ष जी ने भी इस बात को आश्वस्त किया और ये हमारी परंपरा भी रही है। मैं तो ये देखता हूं कि जहां से नक्सलवाद पैदा हुआ उस नाभि पर कमल खिला है, लेकिन ममता बनर्जी एक छद्म नक्सलवादी है, साफ स्पोकन नक्सलवादी हो सकती है। मैं मानता हूं कि वो रक्तबीज की तरह स्वरूप बदल कर आई है। लोकतंत्र के समर्थक तमाम दलों को, तमाम विचार को, विचार मानने वालों को, उन तमाम बुद्धिजीवियों को आज नहीं कल इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। आज ये धरना भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर सभी मंडल स्तरों तक, पश्चिम बंगाल की जो इस चुनाव में जो सरकार बनी है उसने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, आम जनमानस के ऊपर भी जिस प्रकार से हत्या, आक्रमण, लूट, बलात्कार करने के जो जघन्य अपराध पश्चिम बंगाल के अंदर वहां की सरकार ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो करने का प्रयास किया है, उसके खिलाफ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज इस बात को लेकर के धरने पर बैठे हैं कि बंगाल के अंदर जो आक्रमण और लूट और आगजनी जिस प्रकार से हो रही है, इस लोकतंत्र की हत्या करने का काम पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो कर रही है, वो ये न समझा कि बंगाल का कार्यकर्ता अकेला है। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर उन कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा है। नहीं, उनके जेहन में, उनके इशारे पे तो हो ही नहीं हत्या, उनका वो माफिया है, कोल माफिया, बालू माफिया, दारू माफिया, भू माफिया, जो ममता जी के संरक्षण में पिछले 10 साल से पनप रहा है वही कर रहे हैं। बड़ी चिंता की बात है और बहुत निंदा की बात है। असली स्वरूप था उनका, वो सामने आ गया। वो व्हील चेयर, वो बंगाल की बेटी, वो काली का मंत्र, वो सब नाटक था। तुष्टिकरण और रोहिंग्याओं की आड़ में जो हिंसा हो रही है वो अब सामने आ रही है। बंगाल को सेना के हाथों में देना पड़े, कार्यकर्ताओं को मारने में जो हिचक महसूस। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता अमीन बेग हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अमीन, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, विधानसभा चुनाव से पहले भी और यहां तक कि कल भी हमने देखा, बंगाल, पश्चिम बंगाल, जहां चुनाव हुआ, नतीजे आए, ममता बनर्जी की सरकार आज शपथ लेने वाली है, लेकिन फिर हिंसा का गढ़ लगातार बना हुआ है। चुनाव से पहले बंगाल में भी जो है लगातार हम स्थितियां देख रहे थे और उम्मीद की जा रही थी कि जब चुनाव हो जाएंगे, परिणाम आ जाएंगे तो उसके बाद ये थमेगा। लेकिन जैसे ही टीएमसी की जीत हुई और उसके बाद लगातार वहां पर हिंसा हो रही है, उसको लेकर आज बीजेपी ने देश भर में विरोध दर्ज कराया है। खासतौर पर अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल में बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, खासतौर पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, कृषि मंत्री, इसके अलावा बीजेपी के और भी जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने बीजेपी कार्यालय में बैठकर एक घंटे तक धरना दिया और साफ तौर पर ये कहा कि बीजेपी की ये जो गुंडागर्दी है वो अब नहीं चलेगी और इस पर जरूर एक्शन लिया जाएगा। भारत सरकार जो है इस पर एक्शन लेगी, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां पर मारा जा रहा है, बीजेपी कार्यालय में आग लगाई जा रही है, इसका वो लगातार विरोध करते रहेंगे। और उसी को लेकर आज पूरे देश भर में, मध्य प्रदेश में, भोपाल में, खासतौर पर ब्लॉक लेवल पर बीजेपी ने इसका विरोध दर्ज कराया है। जी जी बिल्कुल अमीन, अगर हम भोपाल की बात करें तो बीजेपी दफ्तर में भी आज ये प्रदर्शन हुआ।
कई दिग्गज यहाँ पर मौजूद रहे, प्रहलाद पटेल मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे, नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। फिलहाल ये जो प्रदर्शन चल रहा था वो खत्म हो चुका है, इसे लेकर क्या कुछ अपडेट्स? देखिए ये जो धरना था ये तकरीबन एक घंटे का था, 11 बजे के आसपास ये धरना शुरू हुआ था और 12 बजे तक ये धरना खत्म हो गया। सभी जगहों पर एक घंटे का ये धरना रखा गया था, क्योंकि कोविड का समय चल रहा है और ऐसे में लंबे समय तक धरना करना पॉसिबल नहीं होता है। बीजेपी कार्यालय में भी धरना हुआ तो जो प्रोटोकॉल होते हैं खासतौर पर 2 गज की दूरी के साथ सभी नेता वहां पर बैठे थे, सभी ने अपनी अपनी बात रखी और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि बीजेपी पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेगी और ममता की गुंडागर्दी जो वो आरोप लगा रहे हैं वो पश्चिम बंगाल में नहीं चलने दी जाएगी। जी बिल्कुल, अमीन ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से हिंसा पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं, इसे लेकर बीजेपी भी वार कर रही है, तृणमूल कांग्रेस का भी पलटवार है, ये भी कहना है तृणमूल कांग्रेस का ये बीजेपी की अंतर्कलह है और ये अंतर्कलह का ही नतीजा है, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि लगातार यहाँ पर हिंसा हो रही है, मौत हो रही है, महिलाओं के साथ रेप हो रहे है, नतीजे आ गए हैं उसके बाद भी ये हिंसा। देखिए बिल्कुल तृणमूल कांग्रेस जो है ममता बनर्जी खासतौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी करवा रही है, बीजेपी एक माहौल खराब करना चाहती है पश्चिम बंगाल में, इसलिए वो चुनाव हारने के बाद इस तरह की पूरी जो है हिंसा करवा रही है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर चल रहा है, लेकिन अब ये देखना होगा कि ममता के शपथ लेने के बाद सरकार बनेगी उसके बाद ये स्थितियां रुकेंगी कि नहीं रुकेंगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा है कि जरूर वो शपथ लेने के बाद चीजों को देखेंगी। तो बहरहाल हिंसा जो है उसको कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता और इस तरह की चीजों को जरूर रोकना चाहिए। जी जी बिल्कुल अमीन, जिस तरीके से बीजेपी आश्वस्त थी कि यहाँ पर बंगाल में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत होगी, यकीनन सीटें जरूर बढ़ी है लेकिन जीत नहीं हुई, एक बार फिर पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के हाथ में गया है, लेकिन अब क्या लगता है कि बीजेपी इससे क्या सीख लेगी और जिस तरीके से यहाँ पर हिंसा हो रही है, मारपीट हो रही है, 12-13 लोगों की मौत हम देख रहे हैं 24 घंटे के दौरान हुई है सिर्फ मारपीट में, हिंसा में, अब क्या इससे कुछ एक्शन लिया जाएगा? देखिए बिल्कुल जहां तक सवाल बीजेपी की हार और जीत का है, कोशिश बीजेपी ने बहुत की थी कि सरकार वहां पर बनाए और पूरा बीजेपी का जो लाव लश्कर था वो पश्चिम बंगाल में था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन दूसरी बात कहें तो बीजेपी के लिए अच्छी बात यह है कि बीजेपी को वहां पर 75 के आसपास सीटें मिली हैं और इससे बीजेपी कहीं ना कहीं खुश है, क्योंकि पिछले चुनाव की बात करें पश्चिम बंगाल के तो महज 3 सीटें बीजेपी के पास थी और अब जो है बीजेपी के पास 75 सीटें हैं, तो बीजेपी इस बात से खुश रह सकती है। लेकिन जो सपना देखा था उसने कि पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का वो नहीं हो पाया। जहां तक सवाल हिंसा की है तो हिंसा को लेकर लगातार भारत सरकार जो है नजर बनाए हुई है, पश्चिम बंगाल में भी जो सरकार जो बन रही है उनका भी कहना है खासतौर पर ममता बनर्जी का कि सारी चीजों को मॉनिटर किया जा रहा है, जिसकी भी गलती होगी उसको छोड़ा नहीं जाएगा। जी चलिए शुक्रिया अमीन तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए। तो ये पूरा प्रदर्शन आज प्रदेश भर में देश भर में किया जा रहा है, जिला मुख्यालयों पर बीजेपी के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी ये प्रदर्शन किया गया, जो हिंसा पश्चिम बंगाल में हो रही है, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई है और कई लोगों की मौत भी हुई है, महिलाओं के साथ भी बदतमीजी यहाँ पर की गई है, उसे लेकर ये प्रदर्शन बीजेपी पूरे देश भर में आज कर रही है।